रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जालो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जय भुट्टो। मेरे दोस्तों, आप सबका आने का शुक्रिया। और वो सब जो थर से लेके कराची से लेके मुझे नजर आ रहे हैं और मैं चेहरे पहचानता हूँ, मैं चेहरे जानता हूँ, मैं चेहरे जानता हूँ, अपने दुश्मनों को भी जानता हूँ और अपने प्यार वाले दोस्तों को भी जानता हूँ। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें और इसकी जगह हम किसी और शरीफ आदमी को बिठाएं जो कि मुल्क चला सके और हम उसकी मदद करें। इंशाल्लाह, जब मैंने पहले भी हुकूमत ली थी तो आपको याद होगा कि स्वात आपके कब्जे में नहीं था, आपके पास गंदम का बहुताल था, आपके पास चीनी का घर था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में हमने सब चीज़ें सुधार दी। इंशाल्लाह अब भी हम ऐसा ही करेंगे, आपकी महंगाई दूर करेंगे, आपकी तकलीफें दूर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि खिदमत अवाम, खिदमत गरीबों की, लोगों की, सबकी। तो इंशाल्लाह मैं और बिलावल मिलके हम आपकी खिदमत करेंगे। ये मेरा बिलावल जो है, ये आपका बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई है, आप बहनों का भाई है, आप दोस्तों का भाई है। और इसने अलम बीबी शहीद का उठाया हुआ है और इंशाल्लाह हमने गड़ी खुदा बख्श से और बीबी से वायदा किया था कि हम ता हयात तेरी खिदमत करते रहेंगे और तेरी खातर लड़ते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है। इंशाल्लाह हम सब लड़ेंगे और सब आवाम को, आप लोगों को तकलीफ़ों से निकालेंगे। ये मेरे दोस्तों की दुआओं से, पार्टी की मदद से ये सब काम हम करेंगे। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मुझे एक और जगह जाना है, वहाँ पहुँचना है। इंशाल्लाह मैं आपको फिर आपके जलसे में मिलूँगा, इंशाल्लाह ताला आपके जलसे में आपके साथ होऊंगा, हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। ये भुट्टो, आप प्लीज सदर जरदारी साहब का काफिला को जगह दे, सदर जरदारी साहब का काफिला को जगह दे। सदर जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और शबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सदर जरदारी साहब ने वहाँ पहुँचना है। जैसे सदर साहब ने कहा, वो इंशाल्लाह हमें डी चौक में मिलेगा। इंशाल्लाह जब ये जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुँचेगा तो पाकिस्तान के अवाम के लिए
खुशखबरी होगा। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सदर जरदारी का काफला के लिए जगह बनाएं और आप अपना अपना जो गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें बैठना शुरू कर दे ताकि ये काफला अपना मंजिल की तरफ बढ़ सकेगा। हमारे पीछे आपका काफला है, उसमें आप बैठना शुरू हो जाए ताकि हम अपना मंजिल की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।